हेलो माय डियर सोल फैमिली, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनों के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग होगी बहुत ही खास, क्योंकि आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि इस वक्त आपके पर्सन की क्या एनर्जी है, क्या करंट फीलिंग्स है। स्पेशली हम देखेंगे कि क्या है जो वो आपसे छुपा रहे हैं, उनके हिडन इमोशंस को जानने की कोशिश करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो जल्दी से हमारी फैमिली को ज्वाइन कर लो। जस्ट प्रेस दैट सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन पर ऑल दबा देना, ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं। आपको करना क्या है, आपको अपने पर्सन का नाम लेना है, आपको अपने पर्सन का नाम लेना है करंट एनर्जी बताइए यूनिवर्स। सबसे पहला कार्ड आ गया है, मौसम बड़ा अच्छा है बाहर। किस किस के यहाँ बारिश हो रही है बता दीजिए। बढ़िया मौसम है, बड़ा रोमांटिक मौसम है। ओह माय गॉड, ओके ठीक है, देखने की कोशिश करते हैं क्या चल रहा है यहाँ पे। एक कार्ड और लेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ हमें गाइडेंस दें। एक्सेप्टेंस, ओके ये आपके पर्सन की करंट एनर्जी है। देखिए एक चीज़ यहाँ पे पता चल रही है, जैसे कि किसी भी इंसान के प्यार जताने के बहुत सारे तरीके होते हैं, है ना, वैसे ही आपके पर्सन का जो लव लैंग्वेज है वो काफ़ी डिफरेंट है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये पर्सन चुप रहते हैं और चुप रह के एक तरीके से आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप इनकी फीलिंग्स को समझ जाओ। ठीक है, लगता है कि अगर 100 में से 99% ये चीज़ें बोलते नहीं हैं, उसको हिडन रखते हैं। 1% चीज़ ऐसी होती है कि बोलते हैं, ठीक है, और बहुत कम बात करते हैं आपके पर्सन। मोस्ट ऑफ द चीज़ें आप गैस ही करते रह जाते हो, न जाने इस पर्सन के मन में क्या होगा, क्या सोच रहे हैं, आपको यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया नहीं मिलता। जब भी ये पर्सन आपसे मिलते हैं या फिर जब भी आपसे मिलने का सोचते हैं, मुझे लगता है हमेशा से ये पर्सन चाहते हैं, इनकी कोशिश यही रहती है और आगे भी रहेगी कि ये आपसे अकेले में मिलें। ठीक है, अकेले में ये आपसे ज़्यादा एक्सप्रेस कर पाते हैं और अपने आप को खुल के ये आपके सामने शो कर पाते हैं। ठीक है, इस पर्सन को ज़्यादा पब्लिक में मिलना पसंद नहीं है, और आपने भी बहुत बार नोटिस किया होगा। आप भी सोचते होगे कि यार मिलो, घुलो, थोड़ा सा एक दूसरे को जानते हैं, थोड़ा कहीं घूमने जाते हैं जिससे हमें थोड़ी क्लैरिटी आएगी और एक दूसरे के बारे में थोड़ा सा आइडिया लगेगा, पता चलेगा। पर ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन हैं हमेशा से बहुत प्राइवेट पर्सन रहे हैं। इनके बारे में अगर ये कोई चीज़ खुद नहीं बताते तो ऐसा लगता है कि बस गेस करते रह जाओ, खुद ही सोचो कि पता नहीं क्या हो रहा होगा इनकी लाइफ में। देखो इंटीमेसी का कार्ड आया है, मुझे लगता है कि आपके पर्सन फिज़िकली आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, बहुत ज़्यादा। और जब भी आप दोनों मिलते हो या जब जब ये आपसे मिलने के ख्वाब देखते, एक तो मुझे लगता है कि आपके बारे में आजकल इनको सपने बहुत आ रहे हैं, बहुत सपने आ रहे हैं और बहुत पॉजिटिव सपने आ रहे हैं। ये सपने इनके मन में एक उम्मीद जगा रहे हैं। जैसे बोलते नहीं हैं कि सुबह का सपना तो सच होता है, तो मुझे लगता है कि ऐसी चीज़ें आपके पर्सन इस समय सोच रहे हैं। ऐसा लग रहा है ये पर्सन जो है ना, ये चाहे आप दोनों के बीच में कुछ भी हो जाए, कितना भी बुरा हो जाए, चाहे ब्रेकअप हो जाए, या ये पर्सन अगर ये मैरिड भी है, यहाँ तक कि मैं ये भी बता रही हूँ, हो सकता है जनरल रीडिंग या मैच ना भी करें, अगर ये पर्सन मैरिड भी है ना, तब भी आपको अकेला नहीं छोड़ रहे हैं। इन द सेंस स्पिरिचुअली, इमोशनली, मेंटली ये आपसे आज भी कनेक्टेड है। मुझे लगता है कि अपने पार्टनर के साथ होने के बावजूद भी ये पर्सन हमेशा से आपको चाहते हैं और आप ही को इमेजिन कर रहे हैं, उनमें भी ये आप ही को ढूंढ रहे हैं कहीं ना कहीं। और मुझे लगता है कि अपनी लाइफ से ये खुश नहीं है। हमेशा से इन्होंने सोचा है और सोचा था कि ये आपके साथ अपनी लाइफ को स्पेंड करेंगे, क्योंकि आपके अलावा वो जगह किसी को भी नहीं दे सकते,
ऐसा लग रहा है, किसी को भी नहीं दे सकते। इसीलिए इनके इमोशंस आज भी आपके लिए बहुत ज़्यादा जागे हुए हैं, ठीक है। अगर आप दोनों सेपरेट हो गए हो या कुछ भी हो गया है, पर फिर भी इस इंसान के दिल से दिमाग से आपकी याद है और आपके लिए जो पैशन है वो बिल्कुल कम नहीं हो रहा है, बार बार जलता रह रहा है। जितना ज़्यादा ही कोशिश करें आपसे दूर आने की, उतना ही आपके करीब आते जा रहे हैं, ठीक है। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, हमेशा कभी कभी आपको ऐसा महसूस भी हुआ होगा कि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा क्लेवर हैं, चलाक हैं। मुझे लगता है कि ये लेन देन में विश्वास करते हैं ज़्यादा, मतलब ये ऐसी चीज़ करेंगे जहाँ पे इनका फ़ायदा कुछ ना कुछ ज़रूर होता है, ठीक है। आपको ऐसा लगा है क्या कभी कि, कैसे आपको बताऊँ, रुको एग्जांपल देती हूँ, ऐसा लगा है कि कोई चीज़ अगर ये कर रहे हैं आपके लिए उसके बदले भी ये कुछ चाहते हैं, जैसे कि अगर ये आपसे बात करेंगे या आपको कॉल बैक करेंगे, कुछ भी करेंगे तो ये बोलेंगे कि क्या बोलेंगे, जैसे अपनी कोई फ़ोटो भेज दो या ऐसे कुछ, तो कोई भी चीज़ करेंगे उसमें इनका फ़ायदा ज़रूर होगा, ठीक है। आप दोनों एक तो एक दूसरे से बहुत अलग हो, तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इनको मिल गए हो, तो एक तरीके से इनको एक तोहफ़ा यानी कि कोई बेशकीमती चीज़ मिल गई है या फिर कोई ट्रॉफ़ी मिल गई है जो इनके अच्छे कामों की वजह से इनको मिली है, इनको ऐसा लगता है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज़ में ही अपना फ़ायदा ज़रूर देखते हैं। मैनिफेस्टेशन और एक्सेप्टेंस का कार्ड यहाँ पे आ गया है, एंजल से थोड़ी सी क्लैरिटी मांगते हैं। ओके, ओके, थैंक यू, नाइन ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, एक कार्ड और दीजिए, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ पे टॉरस की एनर्जी मुझे कुछ ज़्यादा ही महसूस हो रही है, वैसे तो सारे साइंस हैं क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। ओके, ऐसा लग रहा है कि ओके, ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा सपने में है, इनको विश्वास नहीं हो रहा है कि आप दोनों अब एक नहीं हो पाओगे या एक दूसरे से अलग हो गए हो, जिसका मतलब ये है कि आप अपने रास्ते, वो अपने रास्ते। इस पर्सन की हालत ये भी है कि ये बहुत घुट घुट के जी रहे हैं, पर ये चीज़ किसी को बता नहीं सकते। ज़्यादातर समय ये पर्सन अकेला ही रह रहे हैं, और एक चीज़ मुझे यहाँ पे साफ पता चल रही है, ये पर्सन एक तरीके से उम्मीद खो चुके हैं, और ऐसा लगता है कि इनका सिर इन्होंने खुद ही झुका दिया है अपने एक्शन से। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन बिल्कुल खो चुके हैं, लॉस्ट हो गए हैं, और एक तरीके से इनको ना कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा, इनको अच्छी तरीके से मालूम है कि आप ही वो एक इंसान हो जो इनको इस सारी सिचुएशन से, मुश्किलातों से बाहर ला सकते हो, पर फिर भी ये इंसान आपसे बात करने की बजाय सफ़र करना महसूस कर रहे हैं। मुझे लगता है इस पर्सन को लग रहा है कि इन्होंने हमेशा सबका अच्छा किया है, पर फिर भी लोग इनके खिलाफ हो गए हैं और इनको अकेला कर दिया है, और कोई भी इंसान इनका भला नहीं चाह रहा है, तो ये एक तरीके से सोच रहे हैं कि इनकी तो किस्मत ही ख़राब है, अपनी किस्मत को कोस रहे हैं, अपनी किस्मत पे रो रहे हैं। मुझे लगता है कि इस पर्सन का सोना मुश्किल हो गया है और इनकी नींद पूरी नहीं हो रही है, नींद पूरी नहीं हो रही है, और क्योंकि इनको ऐसा लगता है एक तरीके से ना, इनको मालूम है इन्होंने लोगों के साथ क्या किया है, तो वही सेम चीज़ें जब इनके साथ हो रही है तो ये बहुत सतर्क रह रहे हैं, ठीक है, बहुत सतर्क रह रहे हैं, कोई भी चीज़ को बहुत संभाल के रख रहे हैं। और एक चीज़ और बोलूँगी, ये ना हर किसी पे शक कर रहे हैं, इन पर अब कोई भी भरोसा नहीं कर पा रहा है, क्योंकि हो सकता है कि ये भी किसी पे भरोसा नहीं कर रहे हैं, तो इनको ऐसा लगता है कि कोई मुझ पे कभी भी हमला कर सकता है, कोई मुझे कभी भी कुछ भी कह सकता है, या इनके सीक्रेट्स लीक आउट ना हो जाए, इस बात की ये पर्सन पूरी गारंटी ले रहे हैं। ट्रैवलिंग का कार्ड मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा लग रहा है, आपका कहीं जाने का बन रहा है बार बार, या ये पर्सन बहुत बार मुझे लगता है कि अपनी गाड़ी से ही ट्रैवल करके जाते हुए नज़र आ रहे हैं, और मोस्ट ऑफ़ द टाइम ये अकेले ही ट्रैवल करते हैं, अकेले मुझे नज़र आ रहे हैं ऐसी एरियाज़ में जहाँ पे एक तो काम से रिलेटेड ये बार बार ट्रैवल करते हैं, ठीक है, और काम करके भी ये वापस आ जाते हैं। मुझे लगता है कि
इस पर्सन की लाइफ आपके बिना बहुत ब्लैक एंड वाइट सी हो गई है और उसमें रंग सिर्फ आप ही भर सकते हो, इनको ये अच्छी तरीके से पता है, लेकिन ये पर्सन आपके सामने अभी झुक नहीं रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन इस बात को खुलकर आपके सामने नहीं आने दे रहे हैं। ये क्यों नहीं आने दे रहे हैं वो भी हम देख लेते हैं, क्यों छुपे हैं आपके पर्सन। रीडिंग कैसी लग रही है मुझे बताना ज़रूर। किंग ऑफ वॉन्ट्स, ओ माय गॉड, किंग ऑफ सोर्ड्स, ओके, कभी ऐसा हुआ है क्या इस पर्सन ने आपको ऐसा महसूस कराया कि ये आपसे बहुत ज़्यादा हैं और आप इनके सामने बहुत कम हो? क्योंकि मुझे तो ऐसा ही दिखाई दे रहा है, मुझे लगता है ये इनके पहले की एनर्जी, ये इनकी बाद की एनर्जी। ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने बहुत बार आपको बहुत इंसल्टिंग चीज़ें बोली है या कुछ ऐसा बोला है, या तो इन्होंने कोई एक्शन लिया नहीं है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इन्होंने आपकी बहुत सारी बातों को इग्नोर किया है और आपके कहने के बावजूद भी इन्होंने हमेशा से आपके ऊपर सख्ती दिखाई है, मतलब अपने बिहेवियर में सख्ती दिखाई है, बहुत चीज़ों को इम्प्रूव नहीं किया है। स्पेशली मुझे लगता है, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, इस पर्सन की झूठ बोलने की बहुत ही आदत है, ख़राब आदत है, और इसकी वजह से ये पर्सन पकड़े भी गए हैं, ठीक है। ये झूठ बोलते हैं, ये किसी को भी अपनी पूरी बात नहीं बताते हैं। इनफैक्ट अगर आप किसी के पार्टनर हो तो आप उम्मीद करते हो कि वो आपके सामने बिल्कुल बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहें, बिल्कुल अपनी सारी बातें खोल कर बताएं, पर ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने आपसे बहुत कुछ हाइड किया है, ठीक है, हाइड किया है। और मोस्ट ऑफ द टाइम ये ऐसा समझते हैं कि कंट्रोल हमेशा इनके हाथ में हो, जो वो कहें आप वो करो, और आप हमेशा उनकी नज़र से दुनिया देखो। पर किंग ऑफ सोर्ड से किंग ऑफ वॉन्ड वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। देखिए, ये पहले की एनर्जी है और बाद में जो इनका हाल है, जैसे कि मैंने बोला, ये बहुत परेशान है, इनके ऊपर मुझे लगता है वर्क प्लेस में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत टेंशन है, जिसकी वजह से ये पर्सन और ज़्यादा प्रेशर महसूस कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि प्रेशर कुकर की सीटी की तरह इनका दिमाग बिल्कुल फटने वाला है, पर ये किसी को भी ये चीज़ शेयर नहीं कर सकते। और जैसे जैसे ये अंदर से टूटते जा रहे हैं, ऊपर से इतने ज़्यादा ये हार्ड होते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा हार्श भी खुद पर होते जा रहे हैं। मुझे लगता है कि ये पर्सन अपने आप को ही कोई सज़ा दे रहे हैं, पर अंदर से जो सॉफ्टनेस है वो चाहती है कि इनकी लाइफ में और कोई भी नहीं रहे, सभी लोग जाएं, पर आप हमेशा के लिए इनके पर्सन में रहने चाहिए हो। ये देखो, जैसे न्यू लीव्स आई हैं ना, ये उम्मीद करते हैं कि आप उनकी लाइफ में एक नई सी शुरुआत लेके आओगे, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। और ये अच्छी तरीके से जान गए हैं कि इनको जो चीज़ बहुत पहले करनी चाहिए थी, यानी कि ये सोच रहे हैं कि अगर ये आपको पहले से अपना बना लेते, पहले अगर इन्होंने इतनी ज़्यादा देरी ना की होती, तो शायद आप दोनों आज एक साथ होते। तो इनके मन में ये चीज़ चल रही है। जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए द टेंपल पाथ विक्ट्री, जैसा कि ये चाहते हैं आपके साथ विक्ट्री, यहाँ पे हमें समझ आ रहा है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओ माय गॉड, केयरिंग कनेक्शन, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। देखो, जैसा कि मैं जानती हूँ, जो मेरे व्यूअर्स हैं वो काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं अपने पर्सन का, रियूनियन का, ठीक है। पर यही है कि आप दोनों के बीच में अभी कोई भी बातचीत नहीं है, तो आप उनको बता नहीं सकते। तो यहाँ पे ले आते हैं विमेन होल्डिंग अ हार्ट और यहाँ पे नीचे है विक्ट्री। मुझे लगता है कि आपका इंतज़ार बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है, क्योंकि उसके जस्ट नीचे है विक्ट्री और आपका इंतज़ार कुछ इस तरीके से ख़त्म होगा कि आपके पर्सन को लगेगा भी नहीं कि आप उनका इंतज़ार कर रहे थे। वो आपको एक ऐसे पर्सन की तरह देख रहे हैं जो पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, और आप उनके बारे में ना ही सोचते हो, ना ही उनके लिए स्टक हो अपनी लाइफ में। मुझे लगता है जब भी आपको देखेंगे तो इनको पता चलेगा कि इन्होंने कितनी बड़ी मिस्टेक की है, और ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी इनकी वजह से रुकी नहीं है बिल्कुल, जो असल में थोड़ी देर के लिए रुकी थी। पर मुझे ऐसा लगता है जैसे जैसे ये आपके पास आते जाएंगे, ऐसा लगेगा कि आप और ज़्यादा शाइन करते जाओगे।
इस बार जब ये आपकी लाइफ में कमबैक करने की सोच रहे हैं, क्योंकि इनकी करंट एनर्जी यही बता रही है, क्योंकि ये देखिए किंग ऑफ सोर्ड्स से किंग ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी में आ गए, मतलब कि आई वॉन्ट यू, आई ओनली वॉन्ट यू, ठीक है, या फिर आई वॉन्ट यू ओनली। यहाँ पे 14, 12, 44 और 24, 28 आ गया है, जिसका मतलब है कि इस बार अगर ये आपके पास आएंगे तो आपका नुकसान नहीं होगा, इनफैक्ट आप और ज़्यादा ग्लो करोगे। उनकी नज़र में आप एक ऐसे इंसान हो, ठीक है, जो एक मतलब जिसको जीत सकते हैं, जिसको जीत सकते हैं, एफर्ट्स करके जीत सकते हैं, पर ख़रीद नहीं सकते, ना ही किसी से छीन सकते हैं। तो उनको पता चल रहा है कि आपका कनेक्शन कितना ही प्यारा था, आप दोनों के लिए ये कनेक्शन कितना ज़्यादा ज़रूरी है, और आप कितने ज़्यादा केयरिंग थे उनके लिए, हर चीज़ के बारे में आप ध्यान रखते थे, उनकी छोटी से छोटी ज़रूरतों का ध्यान रखते थे। इनफैक्ट आप इनके एक आर्मर की तरह थे जो उनको हर मुसीबत से भी बचाते थे एक तरीके से, है ना। और आपसे बात करके इस पर्सन को बहुत ही अच्छा महसूस होता था, ऐसा लगता था कि एक नई शुरुआत हो रही है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है जो बहुत इनोसेंट होता है और उसके दिल में कोई खोट नहीं होती, कुछ इस टाइप की आपकी एनर्जी थी जो इस पर्सन को अब रियलाइज़ हो रही है कि मुझे ये पर्सन अपनी लाइफ में वापस चाहिए। चलिए लव मैसेजेस देख लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, थैंक यू। मैसेजेस को देख लेते हैं, मैजिक, जैसे कि आपके पर्सन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एकदम से कोई मैजिक हो जाए और आप दोनों को इकट्ठा होना ही पड़े, मतलब कुछ तो ऐसा हो जाए, मिरेकल, मनमानी, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि मेरा दिल मेरी ना सुने और मनमानी करने में लगा हुआ है, ये सिर्फ़ और सिर्फ तुमसे मिलना चाहता है, मे बी, ठीक है, मे बी आपके पास बहुत जल्दी आएंगे। नवंबर मंथ आपके लिए बहुत स्पेशल हो सकता है, कार्ड्स में दिखाई दे रहा है। संडे, ओ माय गुडनेस, कहीं ऐसा तो नहीं इसी संडे होने वाली है, ट्रिंग ट्रिंग हो सकता है, बोल दो ना ज़रा। आपके तरफ से साइलेंस देख के इस पर्सन को बहुत घबराहट हो रही है, तो ये कह रहे हैं बोल दो ना ज़रा। मनी, मनी अगर आप दोनों के बीच में कोई इशू बना हुआ था तो मनी का इशू भी सॉल्व होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है आपने अगर अपने पर्सन की कोई मनी वाइज हेल्प की है तो ये मनी लौटाने के लिए भी आ रहे हैं। यस, कोई भी आपका क्वेश्चन था कि क्या आपके पर्सन आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, तो आंसर है यस। ओ हाउ क्यूट, आई लव यू, ये साफ साफ अपने प्यार का इजहार कर रहे हैं, बोल रहे हैं आई लव यू। ट्यूजडे, मार्च का महीना हो सकता है बहुत खास रहा हो, दिल, कह रहे हैं दिल, दिल वर्सेस दिमाग में जीता है इनका दिल। ओ माय गुडनेस, वांट टू कॉल यू टुनाइट, बहुत ज़्यादा चांसेस है आज इनकी तरफ से कॉल आने के। 11 हो सकता है, 11 11 बहुत दिख रहा है आपको। ये कह रहे हैं कि आज भी वो रात यादें, हो सकता है आपकी कोई स्पेशल नाइट हो जहाँ पे आपने पूरी रात बात की हो, तो बहुत सारी बातें आपके बीच में हुई हो, तो ये कह रहे हैं आज भी वो रात याद है। यू रिस्पेक्ट मी, आपने इनकी बहुत रिस्पेक्ट की है, कभी भी उनको कुछ ऐसा नहीं बोला है। तेरी नज़र तेरी अदा, इनको आपकी आंखें बहुत पसंद है। प्रॉमिस, दोबारा से आपको प्रॉमिस करते हैं, मुझे लगता है बहुत सारे प्रॉमिसेस करेंगे, आपको कमिटमेंट देंगे। अगेंस्ट, ठीक है, आपके खिलाफ बिल्कुल भी नहीं जाएंगे इस बार ये पर्सन। बी ओनली माइन, इन्फिनिटी का साइन, हमेशा इनके रहो। और जो धोखा मिला है उसका भी इस पर्सन के पास आंसर है, मुझे लगता है इस बार ये बहुत ज़्यादा चेंज होके आने वाले हैं और आपको ऐसी बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी देंगे जो शायद आपके मन में इतने टाइम से बनी हुई है, और आपको ऐसा लगता है ये पर्सन आपके खिलाफ हो चुके हैं, या फिर ये पर्सन आपको लेके बहुत ज़्यादा रूड हो चुके हैं या हार्टलेस हो गए हैं। तो यहाँ पे हार्ट का भी कार्ड आ गया, जिससे हमें साफ पता चलता है ये पर्सन आपको कंफर्मेशन दे रहे हैं कि नहीं, ये आज भी आपके लिए वही फील करते हैं जो पहले इनकी फीलिंग्स थी, इनफैक्ट और ज़्यादा ये आपके लिए प्यार महसूस करने लग गए हैं। ये रीडिंग कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, इस रीडिंग को प्यार देना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू वीडियो की लिंक आ गई है, लाइक करके शेयर करके कॉमेंट करके ज़रूर जाना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।